आप सभी समूह की दीदी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली जो कि हमारे एक व्यूअर के कमेंट को लेकर के है। अब इन व्यूअर ने हमें कमेंट क्या किया है, सबसे पहले वो आप सुन लीजिए। यहाँ पर मीनू कनवार आईडी से यहाँ पर हमको कमेंट किया गया है, लिखा है, मैम हमारे ग्रुप में सभी महिलाएं निकल गई हैं, मतलब ग्रुप टूट गया है। और जो हम महिलाओं ने खाते में 1100 रुपये जमा करे थे वो पैसे कैसे निकले, प्लीज कॉल मी मैम। तो देखिए यहाँ पर इनके कमेंट को लेकर मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आप सभी दीदी इस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके समूह में भी पंचसूत्र का पालन ना हो रहा हो, या दीदी लोग बैठक मीटिंग ना कर रही हो, बचत ना जमा कर रही हो, और जो कुछ आपने पैसा पहले जमा किया था वो समूह के खाते में पड़ा है। अब दीदी लोग कहती होंगी कि हमारी बचत वापस कर दो और हम समूह में नहीं रहना चाहते, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे पैसे बैंक के खाते से निकालने होंगे। दीदी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा। छोटी सी वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्प होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि समूह में जुड़ी है तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई है, वीडियो पहली बार देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दीदी यहाँ पर ये आता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक समूह बनाया और बनाने के बाद आपने उसे थोड़े दिन चलाया भी, उसका बैंक में आपने एक खाता भी खुलवा लिया समूह के नाम से, 3 पदाधिकारी पैसे को जमा निकासी भी करने लगे, 1 महीना चलाया, 2 महीने चलाया या फिर 3 महीने चलाया है, जो भी आपने समूह को जितने भी समय चलाया है। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनकी दीदियां पहले समूह तो बना लेती हैं लेकिन दीदी फिर क्या करती हैं बाद में कि उनको समूह समझ में नहीं आता है, वो कहती हैं कि हम समूह में नहीं रहना चाहते, समूह में हमें कोई बचत वगैरह जमा नहीं करनी है और जो हमने की है वो हमें वापस कर दो। सब दीदी अगर हट गई हैं, सब दीदी ऐसे कर रही हैं, तो समूह की जब कोई मीटिंग ही नहीं हो रही, पंचसूत्र का पालन नहीं हो रहा, तो ऐसे में अब पैसे निकालने की समस्या आ रही है क्योंकि सब दीदी हट चुकी हैं, तो अब कैसे बैठक हो, कैसे प्रस्ताव लिखें। तो देखिए दीदी सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, समूह बनने के बाद, समूह का खाता बैंक में खुलने के बाद, फिर वो NRLM पोर्टल पर फीड किया जाता है। तो जो आजीविका मिशन का पोर्टल है वहां पर आपके समूह को फीड कर दिया गया। फीड करते समय वहां पर समूह कब गठित हुआ उसकी भी डेट होती है, समूह का खाता बैंक में कब खुला उसकी भी डेट फीड होती है, और प्लस समूह में जितनी भी दीदी जुड़ी हैं, 10 से 12 15 जो भी जुड़ी हैं, सभी दीदी के नाम, उनके पति के नाम, उनकी जो समुदाय है, कास्ट है वो, और गांव वगैरह का नाम, पंचायत का नाम, ये सारा कुछ वहां पर फीड होता है। तो अब दीदी बात ये आती है कि जैसे आपका NRLM पोर्टल पर समूह फीड है, सरकार की नजर में आपका समूह बना है, चल रहा है, और आपने क्या किया कि अपने मन से अपने घर में बैठकर सोच लिया कि हम समूह तोड़ देते हैं, समूह में नहीं रहना, समूह टूट गया, भंग हो गया, मतलब मीटिंग नहीं कर रहे, रजिस्टर नहीं लिख रहे, बचत नहीं जमा कर रहे, अपने अपने घर हो गए, समूह का कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आपकी नजर में ये हो जाता है कि दीदी समूह टूट गया, जबकि ऐसा नहीं होता। यदि आपका समूह NRLM पोर्टल पर फीड है, सब दीदी का नाम बैंक में भी चढ़ा होता है क्योंकि पूरा बुकलेट भर के जाती, सब दीदी के नाम भी उसमें होते हैं, पदाधिकारी के नाम से तो खाते का संचालन होता है, पैसे की जमा निकासी होती है, लेकिन सब दीदी के नाम भी वहां पर फीड होते हैं कि इस ग्रुप में कितनी दीदी है, तो वहां से भी तो हटाना होता है, तो खाता भी तो आपको बंद कराना होगा, कई सारी प्रोसेस होती है, यानी कि आपको अपना समूह सरकारी पोर्टल से भी हटवाना होगा, बैंक में जाना होगा, वहां से भी हटवाना होगा, तब जाके माना जाएगा कि आपका समूह भंग हुआ है, टूटा है। केवल अपने मन से सोच लेना, घर में पंचसूत का पालन ना करना, मीटिंग ना करना, इससे समूह टूटता नहीं है, समूह केवल निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि समूह काम नहीं कर रहा है, पड़ा है ऐसे ही। तो ऐसे समूह जो है पड़े पड़े बंद नहीं होते हैं, आगे चलकर ICRP की टीम के द्वारा या ब्लॉक के द्वारा, BMM के द्वारा,
या आप स्वयं चाहे तो खुद से भी अपने समूह को फिर से सक्रिय एक्टिव कर सकती हैं। अगर कभी 5, 6, 10 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप सभी दीदियों को ये लगता है कि नहीं, समूह ठीक था, हमको समूह नहीं तोड़ना चाहिए था, समूह हमको चलाना चाहिए, तो आप फिर से ब्लॉक जा करके अपने BMM से मिलकर अपने समूह को एक बार फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। तो एक्टिव करवाने में कोई ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको फिर से पंचसूत्र का पालन करना होता है और फिर से अपना जो है समूह की बैठक मीटिंग आदि लिखनी होती है। बस एक बार जाकर के अपने BMM से मिलकर बातचीत भी कर लेनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए, क्योंकि वहां तो आपका फीड रहता ही रहता है और जो बैंक में आपका खाता है उसमें आपने लेन देन भी बंद कर दिया, क्योंकि जब आप मीटिंग ही नहीं कर रही थी तो बैंक में लेन देन भी शुरू कर देना चाहिए। तो इससे आपका समूह जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि समूह ऐसे नहीं टूटता है, केवल निष्क्रिय होता है, यानी कि वो कार्य नहीं कर रहा है। तो उसको सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, चाहे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब आप चाहेंगे तब। और टूटेगा तभी जब आप उसको बिल्कुल बैंक से और पोर्टल से हर जगह से हटा देंगे। अब दीदी बात आती है कि आपका समूह चलाना ही नहीं है, वो टूट ही गया है, तो आप समझ ही गई होंगी। तो सबसे पहले पैसे निकालने की जो बात है वो आप समझ लीजिए कि अगर आपके समूह में 1100 रुपए आप बता रही कि पड़े हैं, तो जितने भी पैसे आपके समूह के खाते में पड़े हैं उसके लिए समूह की एक बार बैठक तो करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर दीदियों को पैसा लेना है तो एक बार बैठक कीजिए, एक प्रस्ताव लिखिए कि अगर आप लोगों को अपना पैसा, अपनी बचत वापस चाहिए है, तो फिर एक बार मीटिंग करनी होगी, प्रस्ताव लिखना होगा कि हम सभी दीदी को मतलब पैसे की आवश्यकता है, या लेन देन की जो भी करके मतलब जैसे भी प्रस्ताव आप लिख पाए कि वैसे आपको पैसे की आवश्यकता है या किसी दीदी को पैसे की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से प्रस्ताव वगैरह लिख करके आप बैंक में जाकर के पैसे को निकाल सकती हैं। लेकिन अगर आपका पैसा ज्यादा है तो 1100 रुपए है तो आपको निकल पाएंगे या नहीं ये भी समझ लीजिए। दीदी जब खाता बैंक में खुलता है तो वो 1000 रुपए से खुलता है, यानी मिनिमम उसमें 1000 रुपया रहना ही चाहिए। जब आपका खाता खुला है, अभी चल रहा है, आप बंद नहीं करा रहे, केवल पैसे को निकालना और जमा करना है, तो ऐसे में कम से कम उसमें 1000 रुपया पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही खाता नील करना है तो फिर खाता बंद करवाना होगा, जिसके लिए आप सभी को प्रस्ताव लिखना होगा कि हम सभी दीदी अपने समूह से हटना चाहती हैं, समूह भंग करना चाहती हैं, और इसी कारण हम लोग अपने समूह का बैंक खाता भी बंद कराना चाहते हैं। प्रस्ताव वगैरह लिखकर सबके साइन होने के बाद ही वो प्रस्ताव आपको BMM के पास से भी साइन कराना होगा, वहां भी बताना होगा, वहां पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद जा करके वो बैंक में आपको खाता बंद करवाना होगा। जब खाता बंद कराएंगी तभी आपको पूरा नील हो पाएगा, अन्यथा कम से कम उसमें 1000 रुपया तो छोड़ना ही होता है। तो अगर ज्यादा पैसा है और आप समूह बंद कर रहे हैं तो फिर ज्यादा पैसा, तो उस हिसाब से प्रस्ताव वगैरह लिख के आप पैसा निकाल सकते हैं, और वरना खाते को बंद कराएंगे तभी आपका नील हो पाएगा। तो दीदी इसीलिए ग्राम संगठन का भी निर्माण कराया जाता है। ग्राम संगठन अपने अंडर में जो है जुड़े हुए समूहों की देखरेख करता है। ग्राम संगठन हर माह जो मीटिंग करते हैं उसमें ग्राम संगठन के जो समूह की दीदियां पदाधिकारी ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती हैं, तो वहां पर उन दीदियों से समूह की प्रगति के बारे में पूछा जाता है कि समूह की मीटिंग हुई कि नहीं हुई, समूह में बचत नियमित जमा हो रही है कि नहीं, समूह में लेन देन चल रहा है कि नहीं। इससे ग्राम संगठन को समूह के बारे में जानकारी होती रहती है कि समूह एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, और यही सारी जानकारी ग्राम संगठन के पास जब इकट्ठा होती है तो जब ग्राम संगठन की पदाधिकारी CLF में जाती है तो CLF की मीटिंग में भी प्रगति के बारे में पूछा जाता है कि ग्राम संगठन चल रहा है कि नहीं, उसमें जुड़े समूहों की प्रगति क्या है। इससे पता चलता रहता है कि आपके जो ग्राम संगठन में जो भी समूह जुड़े हैं, किसी गांव में कोई समूह चल रहे हैं तो वे एक्टिव हैं या नहीं एक्टिव हैं। समूह सखी से मिल सकती है, क्योंकि समूह सखी की जिम्मेदारी होती है समूहों के जो भी देखरेख का कार्य है देखने का, ठीक है, तो आप समूह सखी से मिलकर भी ये कार्य करा सकती हैं। तो दीदी आपकी समझ आ गया होगा। एक बार आपका समूह रजिस्टर्ड होने के बाद यदि आप समूह बंद करना चाहते हैं तो उसकी सारी प्रोसेस करनी होगी, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा,
और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए समूह से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी के बटन को दबा के सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।